हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस लॉ मार्केट एंड लॉ के अंदर। आज हम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक और आखिरी चैप्टर इसके अंदर जो आपके अंदर आने वाला है वो है डायरेक्टर। जब मैं डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो डायरेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसको देखना है। तो इसके अंदर तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज और डायरेक्टर को कितना पैसा मिलना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं डायरेक्टर कौन होता है। देखो, हम लोग नॉर्मली मूवीज के अंदर देखते हैं जो डायरेक्शन देता है उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं। क्लियर डन? तो जो बिजनेस को डायरेक्शन देगा वो डायरेक्टर है। पर इन लोग ने बोला, कोई डेफिनेशन इन लोग ने परफेक्टली नहीं बोला, इन लोग ने ये बोला डायरेक्टर कोई भी पर्सन जो ऑक्यूपाई कर रहा है पोजिशन ऑफ ए डायरेक्टर। या तो आप कोई भी नाम बोलो, कोई भी नाम बोलो जिसको आप बोल सकते, फुल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर, जो नाम बोलो वो सारे लोगों को डायरेक्टर मान। मतलब इन लोग ने कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं बोला, ऐसा बोला कि जो डायरेक्टर है या डायरेक्टर जैसा काम कर रहा है, जिसको आप कोई भी नाम दे दो, फुल टाइम, होल टाइम, जो भी दे दो, वो सारे लोग डायरेक्टर है। बेसिकली डायरेक्टर जो होता है वो शिप का कैप्टन की तरह काम करता है। मतलब जो शिप चल रही है, बिजनेस चल रहा है, उसका वो कैप्टन है। वो डिसाइड करेगा कौन सा आगे का एक्शन लेना है, किस तरीके से एक्शन लेना है और क्या करना है। अब अगर मैं बात करूं, सर डायरेक्टर कौन बन सकता है, देखो डायरेक्टर कौन बन सकता है उससे अच्छा हम लोग ये सोच लेते हैं डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता। इसलिए इसका क्वेश्चन का नाम है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। तो इन लोग ने बोला भाई डायरेक्टर्स सब लोग बन सकते हैं, पर कौन कौन नहीं। एक जो अनसाउंड माइंड का है, जिसके दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, जिसको खुद की लायबिलिटी पे ऑफ करना बाकी है और वो कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, तो पहले बोलेंगे पहले तो अपनी सारी लायबिलिटी पता, इनसॉल्वेंसी से सॉल्वेंसी में तब जाके डायरेक्टर बनता है। या तो फिर वो इनसॉल्वेंट हुआ नहीं है पर इनसॉल्वेंसी के लिए उसने एप्लीकेशन डाल के रखी हुई है, कोर्ट के पास जाके बोला है, अपील की है, भाई मुझे इनसॉल्वेंट जाहिर करो, तो वो। या तो फिर कोई कन्विक्टेड है कोई ऑफिस के अंदर मोरल विकेडनेस के अंदर, जिसने उससे कुछ काम किया था। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कंपनी के डेटा जो है वो बाहर दे देते हो, कंपनी के अंदर कुछ आपने ऐसे फ्रॉड कर दिए और आपको कोई सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट हुई, नॉट लेस देन 6 months एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट एलप्स्ड सिंस द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। मतलब आपको इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी उस सारे पाप गलत काम करने में, वो 6 महीने से ज्यादा की सजा थी। मतलब 3-4 महीने की हो तो चलो ठीक है, पर 6 महीने से ज्यादा, मान लो 1 साल की आपको सजा हुई, तो 1 साल की सजा जैसे ही आपकी खत्म हो जाती, उसके बाद के 5 साल आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। फिर इन लोग ने बोला कि अगर उसने ही कंपनी के पैसे ना दिए, कंपनी का कोई कॉल जो है वो पैसा ही ना दिया लास्ट डेट तक, तो वो नहीं बन सकता। या तो फिर ऑर्डर कोर्ट ने बोल दिया भाई तुम इस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो उन लोग ने कुछ फ्रॉड या तो मिस फाइनेंस किया या तो ऐसी कोई चीजें कर ली हो, तो फिर उन लोग को अगर कोर्ट ने ही ना बोल दिया तो फिर आप बन सकते नहीं हो डायरेक्टर। ये मेजरली चीज है। अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी मे दिस आर्टिकल प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी नहीं है, खाली प्राइवेट कंपनी है, तो वो अपने हिसाब से भी रूल्स बना सकती है। ये कॉमन रूल्स है कि कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोग को। ये सारी चीजें चेंजेस हो सकते हैं, पर ये नॉर्मल सी बात है। डिस्क्वालिफिकेशन जो बहुत ही IMP सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सी बात है, अगर ये याद रख लो तो आपको लॉ के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। फिर उसके बाद आता है भाई डायरेक्टर, सर मैं कितने के अंदर डायरेक्टर बन सकता हूँ, मेरी तो तमन्ना बहुत है, मैं सब कंपनी के अंदर। तो देखो, इन लोग ने बोल दिया कि भाई पहले 20 तक था, अब बोला 15 तक की लिमिट है, 15 तक की लिमिट है, अमेंडमेंट 2000 के अंदर 15 तक की लिमिट है। अब ये 15 जो है वो 15 कंपनी के अंदर, पर इसके अंदर कौन सी चीज को 15 कंपनी के अंदर कंसीडर नहीं किया। मतलब मैं ए कंपनी में हूँ, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, ई कंपनी, ऐसे करके 15 कंपनी के अंदर मैं डायरेक्टर रह सकता हूँ। पर अगर मैं कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कोई सब्सिडरी नहीं है, ना तो होल्डिंग कंपनी है, पब्लिक कंपनी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं, एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, मेरे घर के सामने एक दुकान है, दुकान के अंदर उन लोग को एक छोटा सा काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बोला सर आप कॉलेज में पढ़ाते हो, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आप हमारी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन हो। तो मैं 15 कंपनी में पहले से था, तो ये क्या 16वीं कंपनी बनेगी? तो इन लोगों ने बोला नहीं बनेगी, 16वीं ये कंपनी जो है वो नहीं कंसीडर करेंगे हम, आपकी 15 जो है वो ही रहेगी। तो कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी जो इंडिया के अंदर पॉसिबल ही नहीं, पर अगर ऐसी कोई कंपनी के अंदर मेंबर बनता हूं, तो फिर भी आप बोलोगे चलो चलेगा, 15 आपकी नॉर्मल है, ये कर दी तो 16 नहीं गिनेंगे, 15 ही। भाई कोई ऐसी एसोसिएशन है जो बिजनेस के लिए या प्रॉफिट के लिए नहीं बना, और वो डिविडेंड भी नहीं देता, मान लो हमारे
बाजू में गार्डन है, गार्डन के अंदर सारे जो लोग हैं उन लोग ने बोला कि भाई हम ऐसा करते कि ये कोरोना के बाद सब लोगों मोरल बूस्ट रहे उसके लिए हम लोग योगा का सेशन रखते, ये रखते हैं, हम लोग एक एसोसिएशन बनाते जो यहाँ पे सुबह जो होता है वो नीम का जूस देंगे, फिर गार्डन में ये काम करें वैसा काम करेंगे जिससे गार्डन भी हरा भरा रहे, लोग आए, लोगों के मन से डर चला जाए वैसा। मैंने बोला ठीक है, मैं इसके अंदर योगदान देने के लिए तैयार हूँ, हम लोग ये एसोसिएशन उसका मैं सारा कारोबार देख रहा हूँ। तो क्या ये सोलमी कंपनी बन जाएगी मेरी? नहीं, इसे भी हम लोग कंसिडर, और या तो फिर कंपनी के अंदर जहाँ पे सच पर्सन ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे कुछ हो जाए किधर तो उसकी जगह पे मैं काम कर सकता हूँ ऑल्टरनेट, मेरा कुछ मेजर रोल नहीं है पर मैं ऑल्टरनेट तरीके से काम कर रहा हूँ तो फिर भी चलेगा। तो 15 कंपनी तक मैं रह सकता हूँ और उस 15 के अंदर ये सारी कंपनियों को नहीं गिन सकते, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक कंपनी उसे ही गिननी मैंने बताया।